लोकसभा निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में कल अजयगढ़ में पुरानी तहसील के जस्तंप चौराहे तक एक कैंडल मार्च निकाला गया। यहां पर जिसके तहत मतदाताओं को जागरूक किया गया, स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए स्लोगन और नारों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। आज के सारे कर्मचारियों को सूचना दी गई होगी, लेकिन पूरे आपके सरपंच या सचिव या अन्य विभाग वो नहीं आए हुए हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें सरपंचों को तो नहीं बुलाया गया है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, पर हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं, विशेषतौर पर सचिव रोजगार सहायक, वो ऐसे हैं, चूंकि आज हमारा कल और आज दो दिन हमारा विकलांगों के जो सहायता के लिए दल बने हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, इसलिए वो फील्ड में थे। अब फील्ड में होने के कारण वो लोग नहीं आ सके, पर जो मुख्यालय में उपस्थित थे सभी लोग। स्कूल प्रशासन इसमें अभी नाराजत मिला था। हाँ, ये मैं मानता हूँ, स्कूल प्रशासन से हमारे बीआरसी साथ में है, कुछ शिक्षक भी हैं, परंतु जो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक हैं वो इसमें उपस्थित नहीं है, क्योंकि शाम का कार्यक्रम था ये। इसमें आप देखेंगे तो जो मॉडल स्कूल है उसका शायद कोई भी प्रमुख या शिक्षक उपस्थित नहीं मिले हैं। वो मॉडल स्कूल में क्या है, उनकी परीक्षा में ड्यूटी थी, अब उनकी सामग्री जमा हो रही है, वो इस कार्य में व्यस्त थे, इस कारण से नहीं आ सके हैं। और ये कार्यक्रम हमारा हर मतदान केंद्र पर भी होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ये शहर का हमने किया है, पूरे मतदान केंद्रों का ये उद्देश्य है हमारा कि अधिक से अधिक लोग 6 मई को आकर के मतदान करें और हमारा मतदान का प्रतिशत बढ़े। कार्यक्रम का आयोजन ये हुआ है 6 मई को जो हमारे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नगरी क्षेत्र में सभी पार्टों को मिलाते हुए ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी विभाग प्रमुख और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर सभी प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मिलित हुए हैं, ताकि सभी मतदाताओं को ये संदेश दे सके कि आप सभी वोट करें और अपने अधिकार का प्रयोग करें। कितने विभागों के इसमें बुलाया गया था? सभी विभागों के लोग यहाँ पे, लेकिन संख्या तो कम देखने को मिल रही है। संख्या अभी सभी लगभग सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन कुछ कम ज्यादा हो सकती है, अब आंकड़े तो हम गिन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे लगभग सभी विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं। प्रश्न ये उठता है कि अगर अधिकारी ही जागरूक नहीं होंगे तो जनता को कैसे जागरूक करेंगे? अधिकारी के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं लगभग सभी विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी खड़े हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति विशेष यहाँ उपस्थित नहीं तो आप उसके संबंध में आप कह सकते हैं, लेकिन लगभग हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैम ये बताइए कि इस बार चुनाव आयोग द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है इस सारे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत? इस संबंध में जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं, ये संबंध में ये हमारी गोपनीयता संबंधित जानकारी और ये कार्यालय प्रमुख की जानकारी जो अभी जो मोमबत्ती वगैरह या ये लाई गई है।